नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 अगस्त। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,24,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन पिछले 24 घंटे में 1,444 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 1,24,827 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें अररिया में 76, अरवल में 4, औरंगाबाद में 27, बांका में 7, बेगूसराय में 46, भागलपुर में 54, भोजपुर में 20, बक्सर में 14, दरभंगा में 27, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 47, गोपालगंज में 30, जमुई में 6, जहानाबाद में 14, कैमूर में 9, कटिहार में 24, खगड़िया में 10, किशनगंज में 85, लखीसराय में 38, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 64, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 80, नालंदा में 37, नवादा में 15, पटना में 262, पूर्णिया में 34, रोहतास में 39, सहरसा में 44, समस्तीपुर में 30, सारण में 44, शेखपुरा में 12, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 21, सिवान में 11, सुपौल में 29, वैशाली में 31, पश्चिम चंपारण में 71। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,04,531 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोविड-19 की वजह से अब तक 644 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में बीते दिन से शुरू हुई सिटी बस सर्विस की सेवा। बिहार में कोविड-19 के माहौल के बीच बीते दिन बस की सेवा शुरू करवा दी गई है। पटना एयरपोर्ट सिटी बस सर्विस सहित सभी रूटों पर सिटी बस सर्विस का परिचालन शुरू करवा दिया गया है। बसों का परिचालन फिर से बहाल किए जाने से यात्रियों में खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। कामकाजी महिलाओं को खास तौर पर राहत मिली है। आपको बता दें, बीते दिन पटना में बांकीपुर और मीठापुर बस डिपो से सिटी सर्विस की बसों के साथ अन्य बसों का परिचालन किया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान सभी तरह के दिशा निर्देश का पालन करते भी देखा गया। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक में बीते दिन 49 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति पर भी मुहर लगा दी गई है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बाजार मुहैया करवाने तक नीति में प्रावधान किए गए हैं। गया के फाल्गु नदी में बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट नदी में पानी की योजना 226 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च करने पर भी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, मान्यता प्राप्त राज्य की अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कर्मियों को 7वां वेतनमान देने का फैसला भी किया गया है। चुनाव प्रचार के लिए जदयू ने लॉन्च किया अपना नया पोर्टल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए जनता दल यूनाइटेड की पार्टी ने वर्चुअल रैली की तरफ बड़ा कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जारी करते हुए जदयू ने खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका नाम जदयू लाइव दिया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करने वाले हैं, जिसकी जानकारी भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दी है। दरभंगा एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से शुरू हो सकती है उड़ानें। दरभंगा वासी 25 अक्टूबर के बाद से उड़ानों का लाभ उठा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार आगामी 25 अक्टूबर से दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 3 बड़े शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होने का अनुमान लगाया गया है, जिसके बाद उत्तरी बिहार खासकर मिथिलांचल के लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए पटना का सफर तय नहीं करना होगा, जिसके तहत स्पाइसजेट अब दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली रूट पर विमानों का संचालन शुरू करेगी। इसके साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इन विमान सेवाओं की शुरुआत करवाई जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने मुंबई पुलिस के 2 कर्मियों को भेजा समन। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तहकीकात कर रही सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस के 2 कर्मियों को समन भेज दिया है, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच अधिकारी और बांद्रा पुलिस स्टेशन के 1 सब इंस्पेक्टर समेत 1 कोष शामिल किया गया है। वहीं सीबीआई ने बीते दिन सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, रसोईया नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपक सावंत को पूछताछ के लिए दोबारा से बुलाया था। वहीं मुंबई पुलिस की एक टीम भी सुबह डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची थी, जिसे सीबीआई ने पूछताछ की है। मुख्यमंत्री ने पटना रिंग रोड परियोजना एवं निर्माणाधीन कच्ची दरगाह बिद्दुपुर चैलेंज गंगा पुल का किया निरीक्षण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया है, जिसके तहत पटना रिंग रोड परियोजना एवं निर्माणाधीन कच्ची दरगाह बिद्दुपुर गंगा पुल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पटना रिंग रोड परियोजना के कनहौली में आसमा तक निर्माणाधीन पथ का अवलोकन किया है। इतना ही नहीं, इस परियोजना में गंगा नदी के 2 पुल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 6-लेन सड़क के निर्माण का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को भी सुना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने वहां मौजूदा ग्रामीणों से कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की है। बिहार में रिकवरी दर पहुंची 83.74% पर। बिहार में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में ठीक होने वालों की संख्या 83.74% पर पहुंच गई है, जबकि 15 अगस्त को स्वस्थ होने वाले
की दर में 67.39% दर्ज की गई थी। वहीं पिछले 10 दिनों में 16.37% की बढ़ोतरी देखी गई है। बिहार में 1,444 नए मामले बीते 24 घंटे में मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 1,24,000 के पार पहुंच गई है। बिहार के प्रवासी मजदूर की बेटी केरल में बनी यूनिवर्सिटी टॉपर। बिहार के शेखपुरा जिले के रहने वाली पायल ने केरल यूनिवर्सिटी में अपने परिवार के साथ साथ बिहार का मान बढ़ाया है। मिली जानकारी के अनुसार केरल की यूनिवर्सिटी में पायल ने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। पायल इतिहास और पुरातत्व विषय में यूनिवर्सिटी टॉपर रही है। उसने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी पेरनबदूर में स्नातक की परीक्षा में यह उपलब्धि हासिल की है। परीक्षा मार्च में सम्पन्न हुई थी, जिसके बाद पायल को फोन करके केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, शिक्षा मंत्री बीएस सुनील और मिजोरम के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई ने बधाई दी है। साथ ही पढ़ाई में मदद का आश्वासन भी दिया है। विधानसभा चुनाव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई मंजूर। कोविड-19 के माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मंजूर कर ली है। हालांकि सुनवाई किस बेंच पर होगी, इस बात की तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है। इससे पहले भी पटना हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है। याचिका में अभी तक चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरा नहीं करने का आधार बनाया गया है। अधिकारियों की माने तो हाईकोर्ट की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई कर सके। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शेखर सुमन की। शेखर सुमन फिल्म अभिनेता, एक्टर, प्रोड्यूसर, निदेशक और गायक भी है, जिनका जीवन बिहार के राजधानी पटना में गुजरा था। उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 7 दिसंबर 1962 को हुआ था। शेखर सुमन ने अभिनय की दुनिया में अपना परचम तो फहराया ही, राजनीति में भी वो काफी सक्रिय नजर आए हैं। शेखर सुमन ने बतौर अभिनेता कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उत्सव ने पर्दे पर सुर्खियां बटोरी थी। वहीं टीवी सीरियल्स की बात करें तो शेखर सुमन ने वाह जनाब वाह, देख भाई देख, कभी इधर कभी उधर, छोटे बाबू, अंदाज, अमर प्रेम, विलायती बाबू समेत कई सीरियल में भी काम किया है। इतना ही नहीं, शेखर सुमन ने कई सारे अवार्ड शो को भी होस्ट किया है। वहीं कई सारे शो में वो बतौर जज भी नजर आए हैं, जिसमें लाफ्टर चैलेंज का नाम शामिल है। बिहार में एडवोकेट वेलफेयर स्टैंप की बढ़ी कीमत। बिहार में एडवोकेट वेलफेयर स्टैंप की कीमत को बढ़ा दिया गया है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार की तरफ से साझा की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस संबंध में ट्वीट करके बताया है कि सरकार ने स्टैंप की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार सरकार ने प्रत्येक दस्तावेज पर लगने वाले एडवोकेट वेलफेयर स्टैंप की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी है। इस तरह के प्रयोग से फर्जीवाड़े पर रोक लगाया जा सकता है। साथ ही किसी अधिवक्ता की जान जाने के बाद वेलफेयर फंड से मदद का प्रावधान भी किया गया है। शिक्षा विभाग ने की 18 जिलों में बाढ़ से प्रभावित स्कूल की सूची की मांग। शिक्षा विभाग ने राज्य के 18 जिलों में बाढ़ के कारण प्रभावित विद्यालय भवनों के आधारभूत संरचना समेत अन्य क्षति की रिपोर्ट मांगी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इस बात की जानकारी दे दी है। असैनिक कार्य प्रबंधक भोला प्रसाद सिंह ने जिलों को भेजे गए पत्र में कहा है कि यदि बाढ़ के कारण आपके जिले के विद्यालय भवनों के आधारभूत संरचना को कोई क्षति हुई है, तो क्षति का विस्तृत आकलन करते हुए विहिप प्रपत्र के साथ आपदा प्रबंधन को सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों मुहैया करवा दे। इसके एक प्रति लिपि कार्यालय को भी उपलब्ध करवाए। बिहार बीएसईबी OFSS की सेकेंड कट ऑफ लिस्ट हुई जारी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अकेडमिक सत्र 2020-21 के लिए इंटरमीडिएट में दाखिला के लिए ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स की दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। जिन छात्रों ने BSEB इंटरमीडिएट दाखिले के लिए अप्लाई किया था, वो कट ऑफ लिस्ट ऑनलाइन OFSS के आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.in पर जाकर देख सकते हैं। तीसरी मेरिट लिस्ट 29 अगस्त को जारी होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं बोर्ड ने पहली लिस्ट 7 अगस्त 2020 को जारी कर दी थी। मुजफ्फरपुर में एक हफ्ते में चालू हो जाएगा 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल। कोविड-19 के बढ़ रहे माहौल के बीच मुजफ्फरपुर जिले में जल्द ही एक हफ्ते के अंदर अंदर 500 बेड के अस्पताल के शुरू होने का दावा किया गया है। इसके तहत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीते दिन पताही हवाई अड्डा परिसर में बन रहे कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया है, जहां अधिकारियों और इंजीनियर से बातचीत करके उन्होंने बताया है कि 31 अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा और इसी सप्ताह उद्घाटन के साथ अस्पताल में इलाज शुरू हो जाएगा। बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों की खैर नहीं। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनने के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बाजारों में मास्क के उपयोग में आनाकानी करने वालों की अब खैर नहीं है, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने इस बाबत जानकारी दे दी है। साथ ही सभी प्रमंडलीय आयुक्त से IG-DIG के साथ DM और SP को इस बात की जानकारी दे दी है। साथ ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके बाद सप्ताह में 2 दिन जांच अभियान चलाया जाएगा। नियम के तहत मास्क नहीं पहनने वालों से 50 रुपए वसूले जा रहे हैं।
एमबीबीएस इंटर्न और स्नातक कोर्स छात्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन एमबीबीएस इंटर्न और स्नातक कोर्स छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस पर राज्य सरकार का 8.83 करोड़ का संभावित खर्च आएगा, जिसके तहत मानदेय का आधार 1 अप्रैल 2020 का होगा। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने स्नातक कोर्स छात्रों और एमबीबीएस इंटर्न को कोविड-19 की भूमिका में देखते हुए इन्हें भी प्रोत्साहन राशि दिए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य को भेज दिया गया था, जिस पर अब मंजूरी मिल गई है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय कार्यक्रम पर उठाए सवाल। चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दूसरे के आमने सामने लगातार नजर आ रहे हैं। वहीं बीते दिन एक बार फिर से लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय कार्यक्रम पर सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन कहा कि वर्तमान में जो सरकार है वो साथ निश्चय के तहत ली गई योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। साथ निश्चय को महागठबंधन की सरकार के दौरान राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन के साथ नीतीश कुमार ने अपने काम के एजेंडे में शामिल किया था। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी की कोई सोच नहीं है। उनकी सोच यही है कि राजद और कांग्रेस के सहयोग से तैयार कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते। रामा सिंह ने 29 अगस्त को राजद में शामिल होने का किया ऐलान। रामा सिंह को लेकर रघुवंश बाबू और राजद के बीच शुरू हुए अनबन के बीच रामा सिंह ने अब आधिकारिक तौर पर 29 अगस्त को राजद में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने यह भी कहा है कि 29 अगस्त को राजद में शामिल होने वाले हैं। रघुवंश जी का राजद में क्या योगदान है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। पार्टी किसी की जागीर नहीं है, किसी एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चल सकती। रघुवंश प्रसाद पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राजद में रहकर कभी भी रामविलास पासवान का विरोध किया है, और इतना ही नहीं, उन्होंने महागठबंधन में रहकर नीतीश कुमार पर वो विरोध कर रहे हैं जब वो मुझसे चुनाव में हार गए थे तब। बिहार विधानसभा चुनाव में 220 सीट पर जीत का भाजपा नेता ने किया दावा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए बिहार में 220 सीटों पर जीत हासिल करेगी और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कामों का इनाम देगी। एनडीए में कहीं भी कोई विवाद या टकराव नहीं है। राजद हमेशा गरीब विरोधी, दलित विरोधी और वंचित वर्ग विरोधी रहा है। राजद के नेताओं ने हमेशा समाज को बांटकर अपनी राजनीति की है। मुकेश सहनी ने बिहार के नाव को मझधार में होने की कही बात। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बीते दिन पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाढ़, कोविड-19 और भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार को बाढ़, कोविड-19 और भ्रष्टाचार की वजह से बीच मझधार में बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बार गणपति बप्पा हमारे नैया पर सवार होकर आए हैं, बस इस बार वो बिहार की जनता को पार लगवाएंगे ही। वहीं सहनी ने सामाजिक न्याय के प्रणेता, दलितों एवं पिछड़ों के जीवन में महापरिवर्तन लाने वाले बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें नमन भी किया। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कोविड-19 चिकित्सकों को समर्पित 500 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करवाया गया। अस्पताल को सेना के 115 डॉक्टर संभालने वाले हैं, सभी सेवाएं मुफ्त मिलने वाली है। गौर करने की बात यह है कि विपक्षी दल इस पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाती रही है, उसी से बिहार में यह दोनों विशिष्ट अस्पताल बनवाए गए हैं। राफेल विमान सौदे और पीएम केयर्स फंड दोनों मुद्दे पर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है, बाकी कसर जनता की अदालत पूरा करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने शेयर की महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर। महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से संन्यास के ऐलान के बाद उनके सभी प्रशंसक उनके मैदान में उतरने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बीते दिन चेन्नई सुपर किंग्स ने भी महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर को शेयर किया है। उसको शेयर करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लिखा कि इस मुस्कान को देखने का अब इंतजार नहीं कर सकते। धोनी ने इस फोटो में कंधे पर किट बैग उठाया हुआ है और चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, आईपीएल के लिए सभी खिलाड़ी लगभग यूएई पहुंच चुके हैं और बीसीसीआई के प्रोटोकॉल के तहत 6 दिन के लिए क्वारंटाइन में फिलहाल रह रहे हैं। महेश भट्ट और आलिया भट्ट के सपोर्ट में आए फिल्म निर्देशक प्रकाश झा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद लगातार कई फिल्में सितारे दर्शकों के निशाने पर है, खासकर कि नेपोटिज्म के मामले में फिल्मी बैकग्राउंड से नाता रखने वाले सभी कलाकार वर्तमान समय में लोगों की नाराजगी का सामना कर रहे हैं, जिसमें महेश भट्ट, आलिया भट्ट का नाम भी शामिल है। बिहार के रहने वाले और फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा ने भी भट्ट परिवार का सपोर्ट किया है और कहा है कि बिना सबूत के लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आलिया भट्ट एक शानदार एक्ट्रेस है। सड़क दो के मामले में जो हुआ, जो मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बनी है, वो भी सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से, ये तो बहुत ही बेहुदा बात हुई और दुखद और बहुत ही गलत है। अगले महीने भारत में खुलेगा एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर। अगले महीने भारत में एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर खुलने जा रहा है। हालांकि भारत में फिलहाल एप्पल का कोई भी स्टोर उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद भारत में ऑनलाइन एप्पल स्टोर खुलने की तैयारी जारी है।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल भारत में पहली बार ऑनलाइन स्टोर को ओपन करने वाली है जहां से एप्पल के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। फिलहाल भारत में कंपनी ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम मॉल पर अपने प्रोडक्ट बेच रही है। मिली जानकारी के अनुसार एप्पल का यह ऑनलाइन स्टोर फेस्टिव सीजन के दौरान शुरू किया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रमेश प्रकाश, नीलिमा देवी, रघुवंश सिंह, नीतीश कुमार, ज्ञानी देवी, विकी कुमार, आलोक कुमार, दयानंद सिंह, शशांक कुमार, विकास कुमार, प्रहलाद कुमार, शुभम सिंह, पीयूष कुमार, कृष्णा कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अगले महीने आईपीएल के 13वें संस्करण के आयोजन में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।